जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम आपको मैथ में मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। मेंसुरेशन का हमने अब तक आपको सभी फॉर्मूले लिखवा दिए हैं और एक लेक्चर हमारा हो चुका है। उसमें हमने आपको कुछ प्रकार मतलब कुछ क्वेश्चन कराए थे जो हमारे ट्राइंगल पर बेस्ड थे। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको तो दोस्तों हमने ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है जी, तो आज हम उससे कुछ आगे के क्वेश्चन आपको कराएंगे। कल हमने ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, आज हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे, आज समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है जी, समबाहु त्रिभुज पर अब तक जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने हैं उस पर जो भी क्वेश्चन अब तक बने हैं, मैं आपको वो सभी क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो तो दोस्तों, आज जो हम आपको पढ़ाएंगे समबाहु त्रिभुज पर जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन कराएंगे। देखो तो ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज पे जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वे सभी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन करने से पहले आप इसके, मैंने आपको वैसे फॉर्मूले आपको सभी लिखा दिए थे और अब मुझे उम्मीद है ना आपने याद भी कर लियोगे। मैं आपको एक बार फिर आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा जो यूज होता है समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, उसको लिख लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, यानी एरिया क्या होता है हमारा, अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले को हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, देखो ऊंचाई का फॉर्मूला जो होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है जी, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुना भुजा। ये दो फॉर्मूले हैं जो हम समबाहु त्रिभुज में क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है जी, हमें इसका परिमाप निकालना है। क्वेश्चन हमारा देखो समझ आ गया होगा, ऑप्शन है हमारे 120 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर और 135 मीटर। ठीक है जी, देखो कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, एरिया समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है जी, भुजा का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें दिया है, जो एरिया दे रखा है समबाहु त्रिभुज का कितना, 400√3, यानी कि एक के स्थान पर आ जाएगा हमारा 400√3 √3/4 गुना भुजा, में भुजा को मान लेता हूँ ए, यानी कि ए का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमें इसको सोल्व करके ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जी, ये √3 से √3 कट जाएगा हमारा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, यानी कि मैं ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन 4 = 400। अब ये देखो यहाँ पे बटे में है, तो ये बराबर से उधर जाएगा तो ये गुना में चले जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 400 × 4। अब यहाँ पे क्या है, इसका वर्ग है, तो यानी कि अगर मुझे वर्ग हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अंडर रूट ले दूंगा। तो यहाँ से हमने इसका भी अंडर रूट लिया और इसका भी अंडर रूट लिया। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ से इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब देखो जो ये वर्ग है, तो ये स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो ये कितना है, ये है हमारा 400 × 4 यानी कितना हो सकता है हमारा, 1600। इसको मैं काट के कितना लिख दूंगा, 1600। ठीक है जी, 1600। अब 1600 किसका वर्ग होता है, ये होता है हमारा 40 का, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये इसके से, ये स्क्वायर से इसका अंडर रूट कर जाएगा, यानी कि ए बराबर जो हमारा a = कितना आ जाएगा, 40। ठीक है जी, 40 मीटर, जो हमारे भुजा क्या आ गई, त्रिभुज की भुजा निकल के आ गई 40 मीटर। अब हमें निकालना क्या था, संभव त्रिभुज का परिमाप। जब परिमाप निकालना है, परिमाप को मैंने आपको बताया था, परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल क्या कहलाता है, परिमाप। अब भाई देखो, अब हम कर रहे हैं संभव त्रिभुज की बात। संभव त्रिभुज यानी कि जिसकी भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो जब मान लिया ये मैंने संभव त्रिभुज बना दिया ए बी और सी, यानी इसकी भुजा ए बी ए ए ए, तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए परिमाप हो गया। यानी कि ए बी की वैल्यू ए, बी सी की वैल्यू ए और सी ए की वैल्यू ए, ए ए ए यानी तीन हो गए, तो 3 a जुड़ जाएंगे, यानी कि जो परिमाप आया हमारा कितना आएगा, 3 a। ठीक है जी, लेकिन ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 40। तो यहाँ पे इसमें
पुट कर देंगे, 3 × 40 कितना हो गया, अच्छा ये 40 दिया कितना होता है हमारा 120 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 120, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संभव त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवर्त के क्षेत्रफल का इसके अंतर्वर्त के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। यानी कि संभव त्रिभुज का जो परिवर्त का क्षेत्रफल और अंतर्वर्त का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो जी कैसे करेंगे। एक संभव त्रिभुज की ऊंचाई दे दी, ऊंचाई दी है हमें, ये लिख लिया हमने, ऊंचाई होगी हमारी 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, परिवर्त का क्षेत्रफल और अंतर्वर्त का क्षेत्रफल का अनुपात। मैंने आपको फॉर्मूले याद कराए थे, देखो जी फॉर्मूले मैंने बताया था, संभव त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई, ये हो गया परिवर्त, परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई बटे 3 × भुजा। ठीक है जी, और अंतर्वर्त, अंतर्वर्त का क्षेत्रफल पाई बटे 12 × भुजा। ठीक है जी, अब इन दोनों का इनका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, तो यहीं से अनुपात निकाल लो, यानी कि इसके बटे में, इसके बटे में जो कटता है काट दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, भुजा से भुजा, यानी क्या बच गया हमारा, यहाँ पे बच गया 1/3 और यहाँ पे बच गया 1/12। अब देखो जी, ये सबसे ऊपर और ये इसके साथ में, यानी कितना हो जाएगा 12/3। अब इसको भी भाग कर लो, 3 × 3, 3 × 12, यानी कितना हो गया 4:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जो ये हमारी जो हाइट दे रखी थी, इसका तो कहीं पे यूज ही नहीं था, ये बच्चों को वैसे ही कन्फ्यूज करने के लिए दी हुई थी, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते और फॉर्मूले से इसका आंसर आ जा रहा है हमारा। यानी परिवर्त का, संभव त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बटे 3 × भुजा, और अंतर्वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बटे 12/ 2 × भुजा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कट रहा है काट दिया, और जो फाइनल रिजल्ट कितना है हमारा, 4:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक संभव त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है जी, क्या है हमारा, किसी संभव त्रिभुज की ऊंचाई दी है। देखो संभव त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, h बराबर होती है हमारी कितनी, 3/2 × भुजा, ये तो होती है हमारी संभव त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15√3/2 × भुजा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, भुजा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी भुजा मान लिया मैंने a है। ठीक है जी, ये होगी a, तो यहाँ से a जो निकाल लेंगे हम, ये इसके साथ में चले जाएगा, इसके नीचे 1, यानी कि इसके गुना इसके साथ और इसके गुना इसके साथ। जब हम 2 × 15 में कराएंगे तो 30, और 1 × √3 में तो √3, ऐसे गुना a। ठीक है जी, अब यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ये इसके गुना में है तो ये बराबर से इधर जाएगा, तो बटे में, यानी कि 30/√3। ठीक है जी, अब देखो a बराबर इतना हो गया हमारा 30/√3। अब देखो मैं 30 को 3 × कैसे लिख सकूँ, 3 × 10/√3 ऐसे लिख सकते हैं, और जी हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 होता है हमारा √3 × √3, 3 को इस तरीके से तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि इन दोनों के गुना कराएंगे कितना आ जाएगा हमारा 3, तो यानी कि मैं अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, √3 × √3 × 10। ठीक है जी, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि a बराबर कितना आ गया, √3 × 10, ये आ गई हमारी भुजा की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना था, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया, एरिया होता है √3/4 × भुजा² भुजा यानी a का स्क्वायर स्मॉल a का, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो, √3/4 × भुजा कितनी है, √3 × 10, इस पूरे का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ से आगे सोल्व कर लो, देखो कैसे यहाँ पे करा रहा हूँ मैं, ये आगे हमारा इधर। ठीक है जी, ये देख लो, यानी कि √3/4 स्क्वायर का मतलब 2 × गुना। अब देखो √3 का स्क्वायर कटे, इसका स्क्वायर है, तो यानी कि ऐसे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 × 10 × 10। ठीक है जी, ये अब देख लो, जो कटता है उसको काट लो, 2 × 2 = 4, 2 × 5 =
10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ पे 5 पंजे 25, ठीक है, और 25 थी 75, यानी कि 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करा हमें, दे रखी थी संभव त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई से हमने निकाल ली भुजा, भुजा आ गई हमारी कितनी, √3 10, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, एरिया, एरिया क्या होता है हमारा, A = √3/4 × भुजा का स्क्वायर, ठीक है जी। भुजा की वैल्यू ये आई थी, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया हमारा 75√3 cm², यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यदि किसी संभव त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई बताओ, यानी क्वेश्चन दिया है संभव त्रिभुज का जो परिमाप का मान है ना वो उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो उसके हर भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। देखो जी कैसे करेंगे, हमें पता है ये संभव त्रिभुज का परिमाप क्या होता है हमारा, ये मैंने अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज बना दूँ ए बी सी, यानी ये भी ए ए और ए भुजा, यानी कि परिमाप क्या होगा हमारा 3a तो होता है संभव का, क्योंकि सब कुछ इक्वल होती है। अब इन्होंने दिया है ये संभव त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, मान लिया परिमाप कितना हो गया हमारा p, उसके जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल का कितना गुना है √3 गुना है क्षेत्रफल का, ठीक है जी। ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है, भुजा की लंबाई निकालनी है हर भुजा की। परिमाप क्या होता है संभव त्रिभुज का, यानी कि 3a और √3, ये ऐसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया कितना होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या माननी है हमने a, यानी कि a का स्क्वायर। अब देख लो जो कटता उसको काट लो, एक a से यहाँ पे एक a कट जाएगा, और जी ये कितना √3 और √3 कितना हो जाएगा, इन दोनों के गुना करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3, यानी कि ये हो गया 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया हमारा 1/a/4, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 यूनिट, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है आप इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल इजीली पेपर में करके आ सकते हो, तो ठीक है दोस्तों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिया करो। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी सिंपल फॉर्मूले पे है, इसी तरीके के क्वेश्चन आए हुए अब तक जो संभव त्रिभुज के टॉपिक है, ये इसी इस टॉपिक पर जो अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं ना, बस ये फॉर्मूले दो हमारे इन्हीं पर आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यदि एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यानी कि √3/4, भुजा कितनी दी है 6, स्क्वायर है तो 2 बार गुना, अब देख लो 2 से 2 बार ये कट गया 3 बार, ठीक है जी, 2 से ये कट गया 3 बार, तो कितना होगा 3 + 9, इन दोनों की गुना कराई 9√3 cm², यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है क्वेश्चन है कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया अब तक, रिपीट होता रहता है बार बार, तो अच्छे से समझो उसको। एक संभव त्रिभुज ABC भुजाओं के मध्य बिंदु DE एवं F है, ठीक है जी, तो त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज DCF के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, ये हमारा एक ABC एक संभव त्रिभुज है, ठीक है जी, संभव त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो हमें बताना त्रिभुज DEF और त्रिभुज DCF का, यानी कि त्रिभुज DEF कौन सा है DEF एवं त्रिभुज DCF यानी कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये निकालना है हमें। अब एक चीज़ याद रखो, अब ये जो पॉइंट है ये इसके मध्य बिंदु है, यानी कि ये जो ये हमेशा कितनी, यानी ये हमेशा बराबर बराबर दूरी पे काटता है, ये जो पॉइंट है अगर इसकी ये पूरी में दूरी क्या मान लो 2a, तो ये यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगी, ये भी a हो जाएगी, इसी प्रकार ये भी क्योंकि संभव त्रिभुज है तो ये भी 2a हो जाएगी, और ये भी क्या होगी हमारी 2a, ठीक है जी, तो यानी ये भी a और ये भी a, ठीक है दोस्तों। और एक जैसे कि अब ये हो गया हमारा संभव त्रिभुज था,
और जो ये हमारे चार जो त्रिभुज बने हुए हैं ना, इन सबका क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। यानी कि जितने यूनिट इसका इतने इतना इतने ही इसका होगा, इतने इसका और इतने ही इसका। यानी कि तो इसी प्रकार जो हमारा जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ना, सिंपल सा यही हो जाएगा, यानी त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी सी एफ का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया क्या होगा, यानी कि जितना इसका इतना हो जाएगा इतना, यानी हमेशा कितना आएगा, 1:1 होगा। सही है दोस्तों, 1:1 का इनका रेशो आता है, यानी कि क्या, 1:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि इस तरह का ये एक हमारी क्या थ्योरी है, मतलब जो कंसेप्ट है इसको आप ऐसे ही याद रखना। अगर इस तरीके कोई भी कंसेप्ट बनता है तो हमेशा रेशो क्या आता है हमारा, 1:1 आता है। ठीक है दोस्तों, अब आते आगे। तो दोस्तों आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों ये हमारा। देखो, एक संभव त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, एक संभव त्रिभुज दे दिया जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के अंतर्वर्त और परिवर्त के मध्य स्थित क्षेत्रफल का अनुपात बताना। ठीक है जी, जैसे मतलब कोई ये एक हमने मतलब एक डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन के, कैसे डायग्राम बनेगा। ये हमने त्रिभुज बनाया जी, ये हो गया हमारा संभव त्रिभुज। ठीक, इसका अंतर्वर्त ये वाला हो जाएगा हमारा, यानी कि तीनों भुजाओं को जो टच करेगा। ठीक है, और फिर आता है हमारा परिवर्त, परिवर्त यानी कि जो बाहर से इसको टच करते हुए जाता हो। ठीक है जी, इस प्रकार से ये डायग्राम है। तो जो इसके अंतर्वर्त और परिवर्त के बीच जो स्थित एरिया है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसका मैं आपको सीधे ही जो इसका हमारा जो रिजल्ट बनता है ना, वो उसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। जिस तरीके क्वेश्चन का जो फॉर्मूला क्या है, वो है हमारा पाई बटे 4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वैसे तो अगर मैं इसको आपको अलग अलग को सोल्व करके कराऊं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और डिफ़िकल्ट, अच्छे से समझ भी नहीं आने का। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना, और इस फॉर्मूले से ही हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो जी कैसे, अब पाई बटे 4 गुना भुजा कितनी है हमारी, 8 स्क्वायर है, तो एक इसका स्क्वायर यानी कि 2 बार गुना हो जाएगी। अब देख लो पाई की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कितनी, 22/7 ये क्वेश्चन में दी होती है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से सोल्व कर लो, पहले इसको काट लो, यहाँ से 4 × 2 = 8। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, यानी ये हो जाएगा हमारा 16 पाई। ठीक है जी, यह तो आंसर पाई के रूम में दे रखा होगा तो इतना हो जाएगा। यदि पाई के रूम में नहीं दिया है, आगे सोल्व करने के लिए गए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 22/7 पाई की वैल्यू रख दी। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, अब इन दोनों की गुना करा लेते तो कितना हो जाएगा, 16 × 2 = 32 का 2 का हासिल 3, 16 × 2 = 32, 32 × 3 = 35, यानी कि 352/7। इसी आगे भी सोल्व हो सकता, आगे यानी 7×5 = 35। ठीक है जी, उसके बाद 2 यानी कि 50, और ये 2/7 हमारा, ये यही हमारा अंतर निकालना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 ही 2/7। ये यहाँ पे पूछ जाएगा, या तो यहीं से इतने आंसर पूछते हैं, यदि पाई के रूम में पूछा तो इतना हो जाएगा, यदि पाई के रूम में नहीं है तो यहाँ ये इतना सोल्व करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, एक संभव त्रिभुज के अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात निकालना है। अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात निकालना है। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, अंत त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, संभव त्रिभुज के अंत त्रिज्या का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, यानी कि भुजा बटे 2√3, ये तो हो गई हमारी अंत त्रिज्या, और बाह्य त्रिज्या क्योंकि रेशो है तो रेशो कर लेंगे। बाह्य त्रिज्या क्या होती है हमारी, भुजा बटे 3√। अब रेशो निकालना, जो कटता काट दो, भुजा से भुजा कैंसिल, 3√3 से 3√3 कैंसिल, यानी क्या बच गया हमारा, 1/2 और बटे में कितना यहाँ पे 1, यानी कितना हो जाएगा, 1:2, ये हमारा आंसर, यानी ऑप्शन 1।
हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आगे इस हमने समबाहु त्रिभुज के जो अब तक क्वेश्चन आए हुए थे हमारे पेपर में वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की ओर बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज पे जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको वो सभी क्वेश्चन कराते हैं। तो आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। देखो जी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। मैंने ये आपको बता दिया था पहले। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला उसका होता है हमारे यानी एरिया एक बटे फोर इंटू बी अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे ए क्या था हमारा, ए जो है हमारा ए है बराबर भुजा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए थे, उम्मीद करता हूँ आपको ये याद भी होंगे। अब आगे बढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जिसका कर्ण कितना है 16√2 सेंटीमीटर, तो हमें उसका क्या निकालना है क्षेत्रफल। देखो जी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये मान लिया हमने ए बी सी, समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा इसमें ये वाला, और समकोण और समद्विबाहु भी होना चाहिए यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर, मान लिया एक भुजा ये और एक भुजा ये बराबर है। उसके बाद में ये जो कर्ण यानी कि ए सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 16 सही दो 16√2 ये दी है कर्ण की वैल्यू। ठीक है जी, तो हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अब देखो जी हमने पढ़ा है अब तक क्या, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कर्ण का क्या होता है, यानी कर्ण यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये बताया था ए सी की वैल्यू कितनी है यानी जो कर्ण है कितना है 16√2 इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ए बी कितना है एक्स एक्स स्क्वायर, बी सी कितना है एक्स एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 × 16 और रूट दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक्स इधर यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर ये इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा यानी 16 × 16। अब दोनों का पेयर है तो बाहर निकल के 1 आ जाएगा यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये है हमारा एक्स ये कितना है हमारा 16, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 16 क्योंकि दोनों भुजाएँ बराबर है। अब हमें इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है जी 1/2 आधार कितना है 16, ऊंचाई भी कितनी है 16, इसको काट दो कितना आ जाएगा 2 से कटेंगे कितना 8 यानी कि 8 × 16 16 × 8 = 128 cm². यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम कर सकते थे यानी जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर होगा। एक बार और देख लो, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है उसका कर्ण की वैल्यू दी है और क्षेत्रफल निकालना है। देखो कर्ण दे दिया हमने समकोण जो समकोण त्रिभुज बनता है इस प्रकार तो बनेगा और समद्विबाहु है यानी कि दोनों भुजाएं जो होगी ये वाली और ये वाली बराबर क्योंकि कर्ण की वैल्यू दी हुई है। जब हमारी ये और ये यानी हमारा एक फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा के यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है जी एक्स हमारा 16 आ गया, जो एक्स क्या था लंबी एक्स था और आधार भी एक्स था यानी कि लंब की और आधार की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया एरिया का यानी जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार की वैल्यू 16 गुना ऊंचाई की वैल्यू भी 16, 2 से 16 कटेंगे 8, 8 × 16 में कराएंगे 128 cm². ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 20 है, तदनुसार त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखो जी इस तरीके कैसे करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया, ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर, ये भी बराबर और ये बराबर, ये अलग होगी कोई, ठीक है ए बी और सी। अब इन्होंने दो भुजाएं दी है, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है
अब देखो जी, अगर मैं इसको 15 मानता हूँ, ये 15 मान ली तो ये वाली भी कितनी होगी 15, और ये तीसरी क्या हो जाएगी हमारी 22। इस प्रकार हम इसका परिमाप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि यहाँ से मैं अगर परिमाप निकाल लूँगा तो कितना आएगा 15 + 15 + 22, 15 × 30, 30 × 22 कितना हो गया 52। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यदि मैं इस वाली 15 को दो भुजा दोनों बराबर मानता हूँ तो हमारा कितना आएगा 52 इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, तो अभी तो हम यहाँ पे टिक नहीं कर सकते। अब सेकंड में देखो किस तरीके से, अब आगे यदि मैं यहाँ 15 ये जो बराबर भुजा है उसको 15 न मान के क्या मान लूँ 22, ये 22 तो ये वाली भी 22, और ये कितनी हो जाएगी हमारी 15, क्योंकि हम ये दोनों एक से क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। इस तरीके से परिमाप कितना आ जाएगा 22 + 22 + 15, यानी कि 22 और 22 44, 44 और 15 कितना हो जाएगा हमारा 59। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन एक हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इस तरीके से आगे और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, जैसे हमने ये बनाया एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है जी दोस्तों, ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ए बी और सी, ये भी हमने क्या मान लिया, ये मान ली हमने भुजा एक्स, ये मान ली एक्स, ठीक है जी, ये यहाँ से यहाँ तक मान ली हमने क्या 2y, ठीक है जी, ये क्या मान लिया हमने 2y, और यहाँ से जो ये इस पे डाल दिया क्या लंब, कितना 8 सेंटीमीटर का, यानी कि ये हो गया डी पॉइंट। जब भी लंब डालते हैं ना किसी भी आधार पर, किसी भी लंबाई उस पर जो भी रेखा है, तो वो उस रेखा को हमेशा दो भागों में बांटती है, तो यानी कि बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई, और डी सी भी कितना हो जाएगा हमारा वाई। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ो, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर का लंब डाल दिया, और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, कौन कौन सी, यानी कि परिमाप जो हमारा 64 दिया है वो किसके बराबर है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी की वैल्यू एक्स, बी सी की वैल्यू कितनी है 2y, और सी ए की वैल्यू कितनी है एक्स, यानी कि ये कितना एक्स और एक्स 2x और 2y, यहाँ से यानी कि हमारा आ गया 2x प्लस 2y इजिकल टू 64, दोनों में से इधर यहाँ भी जो कॉमन है उसको निकालो, यानी कि दोनों में से दो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू 64, इससे दो से कट जाएगा 32। ठीक है जी, यानी कि एक्स प्लस वाई इजिकल टू आ गया कितना हमारा 32, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद अब देखो जी, परपेंडिकुलर डालते हैं यानी कि लंब डालते हैं, वो कितने का कोण बनाता है 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन गया हमारा, एक समकोण त्रिभुज बन गया, यानी कि ए डी बी एक क्या है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हमें क्या करेंगे, यहाँ से हम ए यानी कि ये हमारा करण हो गया, ये आधार और ये लंब, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स का स्क्वायर, ए डी कितना है हमारा 8 का स्क्वायर, प्लस बी डी कितना है वाई यानी वाई का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या हो सकता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 64, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ सकती है, ये दो इक्वेशन होगी। ठीक है जी, अब देखो इसको सोल्व कर लो कैसे करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है, यानी कि एक बार जोड़ लो गुना एक बार घटा लो, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है हमारा एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई और बराबर क्या है इसके 64। ठीक है जी, हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू है कितनी 32, यानी कि 32 गुना एक्स माइनस वाई बराबर 64। 32 से 64 दो बार कट जाएगा, यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू आई है कितनी आ गई 2। इसको क्वेश्चन 3 मान लो। ठीक है जी, अब देखो तो दोस्तों 3 इक्वेशन बन गई हमारी। तो देखो मैं ये रब कर रहा हूँ, स्पेस कम है तो यहाँ से ये रब कर देता हूँ। तो देखो यानी कि जो एक इक्वेशन है, एक यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 32। ठीक है जी, यहाँ से हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इस तरीके से मैंने आपको पीछे भी बताया था क्या करते हैं, जब x की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को जोड़ के दो से भाग, 32 प्लस 2 बटे 2 यानी कि 34 बटे 2 बराबर कितना आ गया हमारा 17। जब y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे और 2 से भाग। ठीक है जी, घटा गए यानी कि जब 32 में से 2 गए 30, 30 को जब 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी कि हमारी x और y की वैल्यू आ गई, x आ गया हमारा 17, y आ गया हमारा 15। ठीक है जी, यानी कि x कितना हो गया हमारा, x आया हमारा 17 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 15। ये हो गई हमारी 15 और ये भी 15, तो यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल हो जाएगी 30। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देख लो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, एरिया, एरिया हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 30 गुना ऊंचाई कितनी है 8, 2 से काट दे कितना 15 और 15 × 8 = 120 cm². ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ आया यहाँ तक, ये कैसे किया, यानी कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया क्षेत्रफल का, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार की वैल्यू कितनी आएगी 30, ऊंचाई कितनी है 8, 2 से इसको भाग करा 15, 15 के 8 में गुना 120, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये तो हमने आपको पूरे डिटेल से बताया था, ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में देखो कैसे कर सकते थे। शॉर्ट में हमारा तरीका क्या था, हमने बनाया ये बना दिया त्रिभुज बना था हमारा, ये यहाँ से इस पर लंब डाल दिया कितना 8 सेंटीमीटर का, ये ए, ये बी और ये सी, ये पॉइंट हमने डी मान लिया। देखो जी, इस क्वेश्चन को हम 888 से भी कर सकते हैं जी, यानी कि जब ट्रायंगल में 888 लगाते हैं, हमारा एक 888 बनता 17, 15 और 8 का। ठीक है जी, ये 888 होता, इसमें तो सबसे बड़ी भुजा होती नहीं, उसको हम क्या मानते हैं कर्ण। ठीक है जी, और ये हमारा आधार हो गया, और क्योंकि 8 दे रखा है हमारा कर्ण, सॉरी लंब, कर्ण क्या मानेंगे 17, आधार 15 हो गया और जो लंब दिया है हमारा 8, तो ये हमारा 888 लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 17 और ये 15, इसी प्रकार से ये भी 17 और ये 15, पहले की तरह ये सेम ऐसी वैल्यू आ जाएगी हमारी, चाहे आप निकाल के देख लो। देखो यहाँ से AC अगर मुझे निकालना होता, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस के BD का स्क्वायर, AC कितना है हमारा 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 इज इक्वल टू AD कितना है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, BD 15, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2 ऐसे, यानी कि दोनों बराबर आगे नहीं आगे। इस तरीके से भी हम 888 का यूज करके इसका कर सकते थे। यहाँ से हमने 888 का 8 देखा, 8 को देखते ही हमने क्या करा, 888 अपने माइंड में याद कर लिया। ठीक है दोस्तों, यदि देखो जैसे इसमें दे रखा था हमारा, ये दी थी बस वैल्यू दे रखी थी जो इसकी लंब की, यानी कि हाइट की वैल्यू दे रखी थी, तो यदि हमें 888 याद है, जैसे 17, 15, 8 का एक 888 होता है त्रिभुज में यूज करने के लिए, जब समकोण त्रिभुज बना होता है तब इसका यूज करते हैं। ये भी हमारा समकोण त्रिभुज ही तो बना है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल तो बनता है जहाँ पर लंब डलता है, तो हमें एकदम याद आना चाहिए 8 को देख तो, यानी 888 होता है हमारा 17, 15 और 8 का। ठीक है जी, ये भी से 15 और ये 17, चाहे आप जोड़ के देख लो सबका परिमाप भी कितना होगा, परिमाप यानी कि 17 + 17 + 15 = 30, इन सबको जोड़ेंगे 17 × 34 = 34 और 30 कितना 64, इतने ही आंसर हम मतलब दे रखा है 64 ही परिमाप, और 64 हमारा यहाँ से आ रहा है, आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते थे, ये मैंने चेक करके लेने के लिए आपको बताया। तो जब हमें ये हमारा 888 से हमें पता लग गया कि ये हो इतना आ गया, तो हम इसको अब कैसे कर सकते हैं, हमें क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है हमारा 30 गुना ऊंचाई कितनी है 8, ये हो जाएगा हमारा 15, इससे इसकी मल्टीप्लाई 15 × 8
120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आप यदि आपको 888 याद है तो आप इतना से ही इसको करके सोल्व कर सकते थे, यहीं से हमारा आंसर आ जाता। यदि आपको 888 याद नहीं है तो आपको इतना बड़ा वो करना ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक दो समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आसन कोण 45 डिग्री है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको सोल्व करना है। ठीक है जी, देखो कैसे करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया, यानी कि जिसकी दो भुजाएँ बराबर है, ये बनाया जी हमने समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। मान लिया मैंने ए बी बराबर बी सी है, ये वाली दो भुजाएं हमने बराबर मान ली, यानी कि इसकी लंबाई कितनी 10 और इसकी भी लंबाई कितनी है 10। और उन्होंने कहा कि दो और आसन कोण कितना है 45 डिग्री, यानी कि जो ये वाला कोण है ये कितना है हमारा 45 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि मैं स्पेसेस को यहाँ पर क्या डाल दूँ, परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाल दिया मैंने ये पॉइंट डी पर। ठीक है जी, पॉइंट डी पर यदि मैं लंब डाल दूँ तो यहाँ से यदि मैं हमारा क्या ए डी मिल जाए तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का है लंब डालते हैं तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो हम क्या लगा सकते हैं, साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यानी कि ए डी, कर्ण कितना है हमारा ए बी। ठीक है दोस्तों, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 10, यानी कि ए डी बटे 10। साइन 45 कितना होता है हमारा 1/√2। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे ए डी की वैल्यू। ए डी कितनी आ जाएगा 10/√2। जब 10 को √2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√2, यानी कि ए डी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई हमारी 5√2 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है भाइयों, तो 1/2 आधार कितना है हमारा 10, ऊंचाई कितनी आई है हमारी निकल के यानी कि ई डी जो है हमारी ऊंचाई तो है कितनी 5√2। इस चीज को भाग कर लिया कितना आ गया 5 गुना 5√2 कितना हो जाएगा 5×25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब क्या थे सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, अब आपने साइन 45 अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, और ये भी हमारा जो ये आपको इस तरीके अभी पढ़ाया नहीं थे, लेकिन मुझे उम्मीद है ये आपने पढ़ रखे होंगे यहाँ तक। तो ये क्योंकि आप 9th-10th का सारा सिलेबस है, बच्चे पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू याद रखना, और आगे भी आपको मैं अच्छे से इनको पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जो हमारा एरिया निकल के आया कितना है 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो समरूप त्रिभुज के शेष कोण बराबर है और उनका क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है तो उनके तदनुरूपी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी कि ऊंचाइयों का अनुपात हमको निकालना है। देखो जी, कोई दो समरूप त्रिभुज है, क्वेश्चन में दिया है समरूप त्रिभुज का मतलब यानी कि जो यानी कि तीनों भुजाएं इनकी आपस में ये ए बी सी और एक ये बना दिया हमने डी ई और एफ, ये इसकी ऊंचाई होगी हमारी h1, इसकी ऊंचाई होगी h2। ठीक है जी, ये होगी h2। समरूप का मतलब होता है यानी कि भुजा, जैसे यानी कि ए बी तो इसके बराबर ए डी, और ए सी इसके बराबर डी एफ, और आधार बी सी इसके बराबर ई एफ, ऐसी हाइट इसकी h1 इसके h2 के बराबर होगी। ठीक है, तो समरूप का मतलब ये होता है। तो अब इन्होंने कहा है दो समरूप त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर है तो उनके उनका जो क्षेत्रफल है 9:16 के अनुपात में है तो उनके तदनुरूपी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यानी कि जो एरिया यानी कि पहले वाले का एरिया यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है जी, बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, ये हमारा किसके होता है यानी कि जो यदि हमें ऊंचाइयों के रूप में दे रखा तो ऊंचाई यानी कि h1/h2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये इस फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। तो त्रिभुज के फूल जो हमारे क्षेत्रफल है उनका रेशो यदि रखा है यानी कि 9/16 यानी कि h1/h2
एच टू, इस पूरे का होल स्क्वायर। भैया होल स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले दो, ये ले दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम तीन का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम चार का स्क्वायर, यानी कि दोनों के स्क्वायर से अंडर रूट, इसके स्क्वायर से अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा तीन बटे चार बराबर एच वन अपॉन एच टू, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ऊंचाइयों का अनुपात निकालना था। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर आपसे दोबारा से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में। आप हमारे YouTube चैनल वेब स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।